Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video of Capital Smart City. This is an update video of Block C and partially Block D, and to be precise in Block C street number 11, 12, 13, 14 और अगर D ब्लॉक की बात की जाए तो D ब्लॉक में स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4. D ब्लॉक इज़ अ यूके बेस्ड कंपनी जो इसमें ट्रिवलीज़ नाम से एक विलास बना रहे हैं जो मोस्ट प्रोबली यूके में सेल कर रहे हैं और यूके में मतलब उनकी मार्केटिंग ऑफिस वहीं पे है, मेन ऑफिस. और C ब्लॉक जो है उसमें सिर्फ 10 मरला के प्लॉट थे जहाँ पे जिनका भी पोजेसन आने वाले 2021 में मार्च में हैंड ओवर किया जाएगा. तो अभी इनिशियली स्टार्ट करते हैं मैप से कि मैप पे ये लोकेशन कौन सी है जिसके बारे में ये अपडेट वीडियो है. उसके बाद मैं आपको डिटेल से जो बाकी साइट का है रियल टाइम इमेज वो भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं मैप पे कि ये वाला एरिया जो है वो कौन सी साइट पे लोकेटेड है. इस वक्त हम स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 का लेआउट प्लान देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं. और इसमें जो आज की वीडियो बेसिकली वही है स्ट्रीट नंबर 11, 12, 13, 14 और लेन नंबर 3 की. अभी इस लेन वाली जो लेन 3 है इस पर बेसिकली कार्पेटिंग का काम हो रहा है, इससे आपको अपडेट मिल जाएगी. और इस वीडियो में जो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया जहाँ से यानी ड्रोन फुटेज जहाँ से स्टार्ट हुई है वो इस प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुई है हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट्स. और ये हार्मनी पार्क ब्लॉक 3.5 मरला और 5 मरला अपार्टमेंट बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अलग हैं और ये अभी तक लॉन्च में नहीं आए. उसके बाद कुछ पार्ट आपको लेन नंबर 3, लेन नंबर 4, लेन नंबर 5 ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक डी ट्रिवलीज़ विलास इनका दिखाऊँगा. और बाकी आपको ओवरऑल काफ़ी हद तक समराइज़ हो जाएगा ये कि इस वक्त साइट पे इन ब्लॉक्स में क्या काम हो रहा है. तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स बैलेटिंग में निकले हैं इस स्ट्रीट्स पे वो अपने प्लॉट का टैली कर सकते हैं कि उनके प्लॉट की सूरत हाल क्या है. जब आने वाले हार्डली 2 महीने या 3 महीने बाद उनका पोजेसन है तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अपडेट मिल जाएगी कि उनके प्लॉट का स्टेटस इस वक्त क्या है. तो देखते हैं रियल टाइम इमेज में इस वक्त इस एरिया का स्टेटस डेवलपमेंट का क्या है. इस वक्त हमने स्क्रीन पे बेसिकली ब्लॉक सी स्ट्रीट नंबर 13 की आपको इमेज नज़र आ रही है. और रोड की दूसरी तरफ जो पार्क एवन्यू उसकी दूसरी तरफ जो बेसिकली ब्लॉक डी और ब्लॉक सी के दरमियान में पार्क है जो लीनियर पार्क्स होते हैं वो पार्क है. और उसकी दूसरी तरफ जो आपको स्ट्रीट 1 पे विलास नज़र आ रहे हैं इन विलास का नाम है ट्रिवलीज़ ब्लॉक. इनके 2 मॉडल विलास 5-5 मरला के रेडी हो चुके हैं और बाकियों पे भी कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हो रहा है जो मैं वीडियो में आगे जाके दिखाऊंगा. इस वक्त हमें स्ट्रीट पे ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक सी लेन नंबर 3 जो बेसिकली लेन नंबर 3 है डिवाइड करती है रेजिडेंशियल पार्ट को और कुछ कमर्शियल प्लॉट है जो ब्लॉक सी में जिस पे 3C लिखा हुआ है. मोस्ट प्रॉब्ली वो 2 कनाल या 3 कनाल के कमर्शियल्स होंगे, अभी तक वो लॉन्च नहीं किए गए लेकिन आने वाले दिनों में जब लॉन्च होंगे तो मैं उनकी अपडेट भी आपको दे दूँगा. अभी अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं जो फुटेज देख रहे हैं ये बेसिकली ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक सी स्ट्रीट नंबर 12, 13, 14 इसकी इमेज है. और इसमें लेफ्ट साइड पे जहाँ पे कार्पेटिंग काम हो रहा है जहाँ पे कुछ मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है इस स्ट्रीट नहीं बल्कि ये लेन है, इस लेन का नाम है लेन नंबर 3. और बाकी बैकग्राउंड में आपको ब्लॉक डी के कुछ विलास नज़र आ रहे हैं. बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ब्लॉक डी में इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो हो रही है विलास जो बन रहे हैं उनके मॉडल विलास की मैं वीडियो बनाऊँ. आने वाले दिनों में ट्राई करूँगा मैं किसी मॉडल विला की इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर में तमाम वीडियोज़ डिटेल से बना सकूँ. ब्लॉक डी के बिल्कुल बैक साइड पर जो ब्लॉक वाक़ है उसका नाम है ब्लॉक जी. कल भी किसी ने कमेंट किया था वीडियो पे कि ब्लॉक जी की अपडेट वीडियो बनाएं, तो ब्लॉक जी का बेसिकली 2020 में पोजेसन नहीं है, 2021 में उसकी डेट्स अनाउंस होंगी. अभी तक फॉर द टाइम बिंग ब्लॉक जी का पोजेसन के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई. इस वक्त हम स्क्रीन पे जो प्लॉट्स देख रहे हैं बेसिकली ये लेन 3 की राइट साइड वाले कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनका मैंने आपको मैप में जिक्र किया था. जो ब्लू कलर में बड़े बड़े बॉक्सेस हैं ये बेसिकली कमर्शियल प्लॉट का लैंड है, कमर्शियल प्लॉट प्लस उनकी पार्किंग. और ये कमर्शियल प्लॉट जो है बेसिकली पार्क रोड फेसिंग है यानी जो ब्लॉक सी और ब्लॉक डी जो डिवाइडर रोड है उसके ऊपर फेसिंग, उनकी फेसिंग उस तरफ है. और बैक साइड पे इनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे. इस वक्त आपने स्क्रीन पे स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2 और पार्शली स्ट्रीट नंबर 3 के विलास देख सकते हैं. और इस वक्त ब्लॉक डी में जो मॉडल विलास बन गए हैं स्ट्रीट नंबर 1 पे प्लॉट नंबर आई थिंक 1 और 2 पे बने हुए हैं. और आगे जो विलास बन रहे हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर, 2 मॉडल विलास ऐसे हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है. और उन मॉडल विलास की बैक साइड पे लेन नंबर 3, लेन नंबर 2, लेन नंबर 4 इस पर जो विलास बन रहे हैं जिन लोगों ने यूके में रहते हुए अपने विलास बुक किए हैं ट्रिवलीज़ से वो खुद अपनी नज़रों से देख सकते हैं कि इस वक्त ब्लॉक डी में कंडीशन क्या है. इनफैक्ट ब्लॉक डी की अगर विलास की बात की जाए तो रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था. ये विलास की जो आपको अभी मॉडल नज़र आ रहे हैं बेसिकली जो बुनियादों से फाउंडेशन नज़र आ रही है अभी इनका काम इन रिसेंट डेज़ में यानी कि 1-1.5 महीने के दौरान हुआ है. और आने वाले दिनों में जब इस पर मज़ीद काम होगा और इनके ग्रे स्ट्रक्चर्स रेडी होंगे तो मैं इसकी डिटेल से वीडियो बना दूँगा. इसी ब्लॉक डी के बिल्कुल सामने हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट है जो मैंने आपको मैप पे अभी शो भी किया था थोड़ी देर पहले. उस हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि सी ब्लॉक में लेक व्यू हाइट्स बन रही हैं जिसका ग्राउंड +9 या ग्राउंड +10 एलिवेशन है और उसके जो कवर्ड एरिया बनता है वो बनता है 45,000 स्क्वायर फीट पर फ्लोर। तो मतलब है 10 कनाल का वो ओवरऑल प्लॉट है जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस वक्त जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं बेसिकली ये उसी हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट्स जो ब्लॉक डी में वाक़ हैं उनकी फुटेज है और इसके साथ आपको लेफ्ट साइड पे विलास भी नजर आ रहे हैं। सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे, ये थी आज की अपडेट। और आपको स्मार्ट में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।